Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वृंदावन के 150 वर्षीय हनुमानदास ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन में हो गए। उधर भ्रदवन के महंत धनश्याम दास ने भी शरीर छोड़ दिया। इससे उनके अनुयायियों में शोक व्याप्त है। वृंदावन के गोपाल खार गौशाला में उनके शिष्य गोपाल ने बताया कि संत ब्रह्मचारी 2 साल से बीमार थे। उनके निधन में संत समाज में शोक व्याप्त हो गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए अनुयायियों का तांता लगा रहा। उनकी अंतिम यात्रा में शहर के प्रमुख लोग शामिल हुए। उधर भद्रवन के महंत घनश्याम दास का सोमवार को महाप्रयाण हो गया। संत की इच्छा पर उनकी शवयात्रा बरसना तक निकाली गई। शवयात्रा में होडल आनंददास वृंदावन अखाड़ा के महंत ब्रज बिहारी दास चित्रकूट के संत दास गोवर्धन कलाधारी से महंत राघव वर्षाना के निर्मलानंद टाटंबरी नूहू से सीताराम दास भदवन के पुजारी राम कुमार दास नानक चंद पूरन हृदयाल जुगल किशोर शर्मा ग्वालियर से रामबाबू मास्टर कल्लू हरि पुजारी भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वर्षाना में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोई बताता है कि 125 साल तक कोई दावा है कि 150 साल वाकई संस्मरण पर भरोसा करे तो उम्र का ग्राफ 175 वर्ष तक पहुँच जाता है। असलिए तो किसी को पता नहीं है पर ना सबूत है, मगर उम्र के आंकड़ों के महान रहे संत हनुमान दास ब्रह्मचारी का सोमवार को महाप्रयाण हो गया। वो मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन करीब 12 वर्ष की उम्र से वह वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार में आ गए थे। उम्र के लिहाज से बाबा हनुमान दास कई किताबों के हकदार भी हो सकते हैं। जरूरत है इनकी और शोधकर्ताओं और रिकॉर्ड बुक्स के लिए जो ब्यौरा एकत्रित करने वालों का ध्यान खींचने की। बाबा ने समाज कल्याण और गोरक्षा गौशाला के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। जागरण ने 10 अगस्त को गोपाल खार क्षेत्र में उनकी कुटिया में बाबा से मुलाकात की। बाबा ने बताया कि वह प्रतिदिन 3 घंटे भजन करते हैं, भोर के 3 बजे जाग जाते हैं और दैनिक क्रिया के बाद भजन रने में जुट जाते हैं। बाबा के दांत दोबारा उपज आए हैं लेकिन छोटे छोटे। भोजन व स्वल्पाहार में एक छोटी चावल दूध रोटी चाय और फल लेते हैं लेकिन कम मात्रा में। उस दौरान उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 6.4 थी जबकि WBC काउंट 7450 था। झांसी की रानी ने वीरता दिखाई थी, तब मैं किशोर था। वकौल बाबा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज हुकूमत से जब लोहा लिया था तब मैं किशोर अवस्था में था। उस वीर रानी के किस्से किशोर अवस्था के सबसे बड़ी याद के रूप में है। हनुमान जी व गुरु जी की सेवा का भाव रहा, कुटिया रहा उनका भजन स्थल रहा है। जीवन भर मकसद भगवान हनुमान जी और अपने गुरु मथुरा दास की सेवा का रहा है। पूरी शिद्दत के साथ तपस्या की और सफल भी रही, ये महान बनने की कहानी। बाबा बचपन में गाय चराते थे। एक दिन गाय चराने के दौरान एक बछड़ा को कोई जानवर ले गया। इस बात पर पिताजी ने उनकी पिटाई कर दी और माता ने फटकार लगा दी। बालक अवस्था में हनुमान दास घर छोड़कर चल दिए। रास्ते में एक संत मिले, वह उन्हें वृंदावन के गोपाल खार क्षेत्र में छोड़ गए। यहाँ मथुरा दास बाबा ने उन्हें आसरा दिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.